हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक रुला देने वाले बयान पे बाय मौलाना तारिक जामिल साहब जी, और वेरी क्राइंग बयान है यार। और इनकी वीडियो आजकल हम ज्यादा करती है, हमने दो तीन दिनों में, पिछले दो तीन दिनों में, क्योंकि हमें बहुत ही प्यारी वीडियो होती है और बहुत लोगों ने स्पेशली इन्हीं की वीडियो को सजेस्ट किया था, तो हमने सारी कर दी है और ऑलमोस्ट हम आगे भी कर रहे हैं, आएगी और भी आती जाएगी। जैसे जैसे आप सजेस्ट करते रहोगे वैसे वैसे वीडियो नई नई आती रहेगी। और बाकी आप लोग बताओ हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, और हम 40K के बहुत ही ज्यादा पास है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि हमारे 40K जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके और आप लोगों के साथ हम नए नए बंदे और भी जुड़ सके हमारे साथ। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मौलाना तारिक जामिल साहब का वेरी इमोशनल बयान। लाइक टू ह्यूमैनिटी, इनकी वीडियो हमने पहले भी की है इस वाले चैनल की, बहुत प्यारी वीडियो बनाते हैं ये भी। क्या है कि वो पैरहन फाड़ दो, वो लिबादे उतार दो, उन राहों को छोड़ दो जिन पे जिंदगी गुजरी थी, उन राहों पे चलो जिन पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला था, उन रास्तों पे चलो जिन पे मेरा आपका नबी चला था। अगर अल्लाह के बाद किसी ने हम पे एहसान किया है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। सारी उम्मत का रोना इकट्ठा करो, मेरे नबी का रोना बढ़ जाएगा। सबकी हाय इकट्ठी करो, उनकी हाय बढ़ जाएगी। कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसका सीना खोलने लग जाए। हमारे नबी का सीना गम की वजह से खोलता था, तड़पते थे, माहिए बे आप की तरह बेकरार होकर आप मचलते थे और इस तरह रोते थे कि जिब्रील को उतारना पड़ता था। और अल्लाह फरमाते मेरे नबी इतना न रोया कर। रातों को मुस्लिम की रिवायत, मदीने की रातें, काश हम पीछे लौट सकते और वो रातें देख सकते, अपने नबी का रोना तड़पना, पेड़ पे पत्थर बांधना, काश हम देख सकते। जिसको कीम खाक के कपड़ों की पेशकश हो और वो टाट लगे कपड़े पहन के फिर रहा हो, जिसको जन्नत के खानों की पेशकश हो और वो तीन तीन दिन एक लुकमा न खा सकता हो। अभी रोजा लग रहा है, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरा पेट पीछे को खींच रहा, मैं खड़ा हो गया हूँ, अभी मुझे आधा घंटा नहीं हुआ खड़ा हुए, लेकिन मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है। मुझे आज पता लग रहा है कि तीन तीन दिन जब मेरा नबी नहीं खाता था तो उस पर क्या गुजरती होगी। जिसको अल्लाह कह रहा है तू हाँ तो कर, मैं तेरे ये जन्नत के दस्तरखान बिछा दूंगा, तू एक दफा कह तो सही, मैं ओट पहाड़ तेरे लिए सोना बना दूंगा, एक दफा तो तू मुझे इशारा कर दे, मैं अरब के पहाड़ों को सोना चांदी जुमरुद या ऊद बना के तेरे कदमों पे निसार कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, और तेरी आखिरत में कोई कमी ना आने दूंगा, तेरी आखिरत में कमी कोई ना आएगी। और इसके बाद वो कहे नहीं, मुझे भूख पसंद है, मेरी सारी उम्मत कम मालदार होगी, मुझे झोंपड़ा पसंद है, मेरी उम्मत कब महल्लों में रहेगी, मैं गधे पे सवार होऊंगा, मेरी उम्मत कब बड़ी सवारियों पे चले सवार होगी, मैं रूखी सूखी खाऊंगा, कब मेरी सारी उम्मत तर खाएगी। है आज मुझे एहसास हो रहा है तीन तीन दिन खाने को नहीं मिल रहा, इशारे हो रहे मांगो नहीं, एक दिन गुजर गया, दूसरा गुजर गया, तीसरा गुजर गया, चौथा दिन है, आप बाग में गए गंदी खजूरें उठा के खाने में, अब्दुल्ला बिन उमर साथ थे, आपने कहा अब्दुल्ला तू नहीं खाता, कह या रसूल अल्लाह मुझे तो भूख नहीं है, आपने कहा अब्दुल्ला मुझे तो भूख लगी है, हाजी ही सुबह रा गए मां दुख शया, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खा। ए मेरे भाइयों, अरे इसी नबी की सुन्नतें दबा करते हो, दाढ़ी मुंडा के जुमा पढ़ने जा रहा, नंगे सर बैठे हुए जुमा पढ़ने आए हुए, जिंदगी में एक दफा भी मेरा नबी नंगे सर नहीं फिरा। एहराम की हालत में नंगे सर हुए हैं, जिंदगी में एक दफा नंगे सर नमाज पढ़ाई है तो क्या लगता है सर पर टोपी रखते, क्या लगता है सलवार को टखनों से ऊपर करते हुए पांव में सलवार जा रही, थोड़ा सा ऊपर कर लेते तेरे नबी की आंखें ठंडी हो जाती। अरे पैसे के लिए खोते को खुदा बना दिया, जालिमों की चापलूसी कर करके जबान को गंदा कर दिया, अरे उस महबूब की सुन्नत इतनी तो लिबास तो उसका पहन लेते, पतलून पहन के जुमा पढ़ने आ जाते, क्या मेरे नबी का कोई लिबास न था, क्या उसकी कोई जिंदगी न थी,
तो उसी पर वार करने हैं। वार करते तो मगरिब की तहजीब पे करते, तुमने किस पे वार कर दिया जो पहले ही तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ पड़ा है। वो आप कहते हैं ना, कोई मां को कत्ल करके जा रहा था, उसकी माशूका ने कहा मां का कलेजा लेके आ तो तुझसे शादी करूंगी, तुझसे मिलाप करूंगी। उस जालिम ने मां को चीर दिया, कलेजा निकाला, जा रहा था ठोकर लगी कलेजा को, शाला खैर हो गए मेरा बच्चा, कलेजे से बात है, शाला खैर हो गए मेरा बच्चा। और मेरा नबी तो इन माओ से ज्यादा प्यार करने वाला था, और हमने क्या कर दिया, तो इसके तरीकों पर छुरियां चला दी। एक टोके कुर्ता पहनते हुए क्या तुम्हारी शान घट जाती है, शलवार पहनते हुए तुम्हारी शान घट जाती है, तुम्हारा मकान गिर जाता है। मेरे भाइयों, उस पहचानो तो सही दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, पहचानो तो सही वफाओं वाला कौन है, जफाओं वाला। मैदाने माशर में जहन्नुम आ रही है, वो चीख मारे, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पे जा गिरे, इंसान जिन्नात उलिया मुकर्रमीन मुजाहिदीन शुहदा उलमा मुफस्सरीन धड़म 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 जमीन पे गिर रहे। और हदीस में आता किसी के पास 70 नबी का अमल होगा तो वो भी कहेगा आज मैं नहीं बचता। सारे नबी पुकार उठेंगे, नफसी नफसी आदम, नफसी 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 नफसी, अल्लाह मेरी जान बचा। मैं नहीं किसी का सवाल करता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, मेरी जान बचा। मैं नहीं किसी का सवाल करता, कलीमुल्लाह या अल्लाह मेरी जान बचा। मैं नहीं किसी का सवाल करता, और ये यूसुफ ये याकूब ये इसहाक ये इब्राहिम ये इस्माइल अलैहिस्सलाम, या अल्लाह नफसी नफसी हमें बचा। हम नहीं किसी का सवाल करते, अल्लाह ताला का नबी रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। माए बाप बीवियां बच्चे हामिद या अल्लाह मेरी जान, मेरी जान। पूरे मैदान माशर में सिर्फ एक हस्ती है, एक है, एक है, तुम्हें पता है ना वो कौन है, वो मोहम्मद मुस्तफा है। जिसकी झोली फैली हुई है हाथ उठने, वो नहीं कह रहा नफसी, वो कह रहा या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। और कुछ तो ख्याल करते हम, कुछ तो ख्याल करते हम, क्या कुत्ते से भी नीचे गिर जाएं, ये एक रोटी खाकर सारी जिंदगी वफा कर जाए। कोई है जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का बदला दे सके? अल्लाह उनको अपनी तरफ से जजा दे, हमारे पास कुछ नहीं उनका, हमने तो उनको जख्मी कर दिया, उनकी रूह को बेकरार कर दिया। तो भाइयों, आज तौबा करो, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की पाकीजा मुबारक हसीन कामिल अकमल मुकम्मल अजमल अनवर जिंदगी को अपनाने के इरादे लेकर उठो। ऐसे ना उठना यहां से, तो तौबा करते हो, सारे करते हो ना, बाहर वाले तो मुझे नजर नहीं आ रहे पर उनको अल्लाह तो देख रहा है। तो भाइयों, आज अल्लाह को कह दो कि या अल्लाह बस हमारी तौबा है, ठीक है ना, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाओ। इसको भाइयों कहने से नहीं होगा, तबलीग में फिरो, 4 महीने लगाओ, चिल्ला लगाओ। कि मैं अपने मोहल्ले वाले से कहता हूँ 3 दिन तो हर महीने दे दिया करो, मेरी सुनते ही नहीं, पता नहीं वो समझते हैं कि कोई दीवाना है, कोई पागल है, कोई मजनू है जो लगा हुआ है। हम तो फारिग नहीं, इसको तो घर बैठे मिल जाती है, हम तो फारिग नहीं है। हाँ हाँ, एक दिन मैं भी फारिग हो जाऊंगा, आप भी फारिग हो जाएंगे, जनाजे उठ जाएंगे, जब गोर किनारे अगले खड़ा करेंगे, फिर उतार के वापस आएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा जैसे कोई कभी दुनिया में आया ही ना था। मेरे भाइयों, और नहीं तो 3 दिन तो हर महीने लगा लिया करो, बाकायदगी से जाओगे आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। जिंदगियां पहला ही तो दुनिया में एक काम खड़ा हुआ है, बड़े सदियों के बाद जिसने इस्लाम को पेश किया। मुझे इतने साल हो गए, मैंने कभी किसी फिरके की बात, कभी किसी मसलक की बात, जाओ सुनो सारी मस्जिदों में क्या खुतबे चल रहे हैं, क्या क्या तकरीरें कर रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह। कोई होगा
जो मुस्बत बात करता है, वरना हर कोई कह रहा है हम ठीक हैं, दूसरे गलत हैं, हम सही हैं, दूसरे गलत हैं। मैं हर जुमे में शोर हो भाइयों, तौबा कर लो और तौबा कर लो, अपने अल्लाह को मना लो, अपने महबूब के तरीकों को अपना लो, ये जहान भी बनेगा, वो भी बनेगा। इसके लिए तबलीग में फिरो, इस वक्त इससे हसीन काम दुनिया में और कोई नहीं हो रहा। मैं अकीदत से नहीं कह रहा, बसीरत से कह रहा हूँ। करोगे तो अल्लाह चमकाएगा, नहीं करोगे तो वक्त का पंछी हाथ से उड़ जाएगा। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक दे। ओके, वाओ वाओ, बहुत इमोशनल था ये। मतलब देख दिखा नहीं दे रहा, लेकिन जैसा कि बातों से समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा ये इमोशनल हो गए, ये बयान बता रहे हैं। और ये बातें इस तरह से बता रहे हैं कि जो आखिरी नबी है उनके जैसे कि लाइफ थी उनकी, उस पर चलो, और वो अच्छे काम करते थे, बेसिकली सिंपल सी बात है जो लिखा हुआ है। और वो बहुत ही नेक बंदे थे, तो दुख दर्द बहुत मिला उन्हें, तब भी वो अपने लिए नहीं, सबके लिए मानते हैं, लोगों के लिए मानते हैं, तो उस पर चलने के लिए कह रहे हैं। और जो जो नाफरमानी करते हैं, जो मुसलमान मुस्लिम लोग हैं, जो उनके पे नहीं हो पा रहे, मतलब और सभी लोग, बाकी जो मतलब जैसे कोई नेक बंदा है, उनको आप अगर उनको आइडल बनाओगे अपना, तो बेहतर ही होगा ना। तो इस तरीके से है ये वाली बात। और आप अगर उसको उनको नाफरमानी कर रहे हो, तो ये वो रोके अपना बयान बता रहे हैं, जो कि हमें बहुत अच्छी बात लगी। आप लोग बताइए, आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, या फिर कैसी क्या सीन है आपका, जैसा आपको पसंद आया वो जरूर कमेंट में करना। जैसे हम अपना पर्सनल या फिर हम अपना ओरिजिनल ओपिनियन आपको दे देते हैं, जो भी हमें जैसा भी हमें लगता है वो हम बता देते हैं आपसे, आप लोगों से कुछ भी हम झूठ नहीं बोलते हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी प्लीज कमेंट कर सकते हो हमें कि कैसी लगी आपको वीडियो, और लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो, सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ, और फिर मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।